तिहाड़ जेल की चार दीवारी के अंदर से एक अनोखी पहल सामने आई है। महिला कैदियों को बहुत जल्द फैशन डिजाइनर की तमगों से नवाजा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि महिला जेल की कैदी फैशन डिजाइनर कैसे बन सकती है, देखिए ये रिपोर्ट। किसी हुनरमंद कारीगर की तरह दिखने वाली ये महिलाएं किसी बुटीक की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जेल में अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश में हैं। मॉडर्न तकनीक से लैस इस लैब में महिला कैदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मंझे हुए कारीगर की तरह ये महिलाएं फैशन के नए नए पैटर्न बनाना सीख रही हैं। इन सभी महिलाओं को फैशन डिजाइनिंग की तमाम तकनीक से ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जेल प्रशासन को उम्मीद है कि जेल में सीखा हुनर महिला कैदियों के ताउम्र काम आएगा। उनको जब स्किल होगी तो उससे उनके अंदर एक इंडिपेंडेंस आएगी और अगर जेल के बाद कहीं उनको एक जाकर पुनर्वास करने में कठिनाई आती है तो कम से कम उनको इतना आत्मविश्वास होगा कि इस प्रोग्राम के बाद वो किसी पर निर्भर नहीं होंगी, वो अपना एक इंडिपेंडेंट जीवन भी जी सकेंगी। तिहाड़ प्रशासन ने पर्ल एकेडमी की मदद से इस फैशन लैब की शुरुआत की है। ये लैब महिला कैदियों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि एक फैशन डिजाइनर के रूप में उनको आजीविका कमाने का मौका मिल सके। मशहूर फैशन डिजाइनर रीना ढाका ने तिहाड़ जेल पहुंचकर महिला कैदियों के हुनर को तराशने का काम किया। पर्ल का जो ये एक इंसेंटिव है इससे आप जरूर सीखिए क्योंकि इससे काम हमेशा आपको मिलेगा जहां पर भी आप जाएंगे। इस फैशन लेबोरेटरी में इनमेट्स विल डू 3 month सर्टिफिकेट कोर्सेज और उस कोर्सेज से द इंटेंशन इज दे विल लर्न हाउ टू डू बेसिक डिजाइनिंग, स्केचिंग, सोइंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन सो दैट दे कैन गो आउट एंड हैव इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड। इस मौके पर पर्ल एकेडमी के स्टूडेंट्स और तिहाड़ की महिला कैदियों ने फैशन शो और रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। तिहाड़ प्रशासन की ये पहल महिला कैदियों की जिंदगी में नई रोशनी लेके आई है। तिहाड़ जेल की महिला कैदियों को जेल में फैशन डिजाइनिंग की मिलने वाली शिक्षा से उनकी जिंदगी बदलने वाली है। तिहाड़ प्रशासन की माने तो यहाँ सीखे हुनर के दम पर वो बाहर जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली, आज तक।